हाउ टू इंक्रीज जियो सिम इंटरनेट स्पीड। यस गाइस, यदि आपके पास भी जियो का सिम है और अगर आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत कम है तो आप सभी लाइव प्रूफ के साथ देख सकते हैं, मैं इसी जियो सिम के अंदर बहुत ही अच्छी खासी स्पीड इंक्रीज़ कर पा रहा हूँ। और ये स्पीड देख सकते हैं यहाँ पे, डाउनलोड से लेकर अपलोडिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। जो आप अभी नेट यूज़ करें ना, उसको आप 10x कर दें, यानी कि 10 गुना ज़्यादा स्पीड मिलने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत ही काम की एक सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं APN सेटिंग। जी हाँ गाइस, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वैसे आपने APN सेटिंग आज तक बहुत सी ट्राई करी होंगी बट वो काम की नहीं होती है। पहले हम खुद अपने पे ट्राई करते हैं, अपने फ़ोन के ऊपर डाल के देखते हैं कि या वर्क करी या फिर नहीं। जब वो वर्क कर जाती है तब जाके आपके साथ शेयर करते हैं। तो यार वीडियो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास एक जियो का सिम है तो इस वीडियो को देखें, आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं जियो सिम के अंदर एक APN सेटिंग की मदद से। और जा काफ़ी फास्ट होती है इसमें, जो है आपकी एप्लीकेशन से लेकर कोई भी चीज़ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो काफ़ी फास्ट होती है इंस्टेड ऑफ 4G, राइट। तो चलो मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, कंपैरिजन देख लो। यहाँ पे ये मेरे पास ये 4G फोन है बट इसी के साथ साथ जो दूसरा फोन है वो 5G है, बट इसमें जो स्पीड है वो सिमिलर ही आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो मेरे 4G या फिर कहेंगे 5G में, दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। हाँ तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो मोबाइल फोन है, ये है 4G एंड ये है 5G। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कैसे आपकी इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी एंड यहाँ पे आप 5G इंटरनेट ही चला पाएंगे इस 4G फोन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ और एक एक सेटिंग जैसे जैसे मैं लिखूंगा वही आपको टाइप करना है, एक भी मिसमैच मत करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसका जो है इंटरनेट स्पीड दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको जो है मोबाइल डेटा ऑन करके तो क्लिक करेंगे यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से जाने के बाद आपके फ़ोन में जियो का सिम तो पड़ा ही होगा, तो आपको यहाँ पे आएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है, इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करते हुए एक सेटिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, डाटा रोमिंग वगैरह, इसको आप इनेबल कर देना। इसके नीचे जाना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से जाएँ और यहाँ पे जाने के बाद आपको देखने को मिल जाती है सिम, वो सेलेक्ट करें जो भी आपकी जियो की सिम है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ना आपको नेटवर्क प्रीफेड मिलेगा, वो आप इनेबल कर देना 5G के ऊपर, अगर आपके फ़ोन में 5G है या फिर 4G है तो उसको 4G यानी कि मैक्स कर देना। अब आपको यहाँ पे ना सबसे मेन सेटिंग जो है मुझे बतानी, वो है एक्सेस पॉइंट नेम, जिसको हम यहाँ पे इस तरीके से बोलते हैं APN सेटिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक कर दो। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी पुराने मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं इनको हटा देता हूँ, ये फालतू के जो मैंने ऐड करके रखे हैं। अब जैसे कि एक आपको ना ये इस तरीके से जियो 4G जो भी आपका देखने को मिलेगा, तो आपको ना प्लस करके एक नया आईपैन ऐड करना है APN, ये वाला ऐसे ही रहने दो, इसको डिलीट मत करना, ठीक है। सबसे पहले आपको नेम में क्या लिखना है, यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा सबसे पहले लिखना है जियो, जे बड़े अक्षर में डालना, फिर लिखना है ग्लोबल, ग्लोबल बड़े अक्षर में होना चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखना है 5G, इस तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम वही गैप डालना, वही आपको स्पेस देनी, वही अक्षर लिखना है, ठीक है। APN में आपको लिखना है जियो नेट का जे बड़ा, बाकी सब छोटे। अब आपको यहाँ पे प्रॉक्सी यूज़र नेम पे आ जाओ डायरेक्ट। अब आपको यहाँ पे लिखना है ग्लोबल 5G ऐसे लिखो, ये देखो, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं देनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मिलेगा सर्वर, तो सर्वर में आपको क्या लिखना है, सर्वर में लिखना है आपको www.google.com, ठीक है, इस तरीके से, डॉट डालना भूल गया मैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब आपको यहाँ पे जाना है इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑथेंटिफिकेशन टाइप, इसके ऊपर आप क्लिक करें और इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। और यहाँ पे आएगा APN टाइप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लिखना है डिफ़ॉल्ट छोटे अक्षर में लिखना है, और यहाँ पे लिखना है SUPL, उसके बाद यहाँ पे लिखना है एक्स कैप, ठीक है। देख लो जो मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको यही लिखना है, ठीक है। जैसे छोटे अक्षर डाले मैंने, फिर आपको डॉट डालने हैं, उसके बाद यही सेम। अब आपको यहाँ पे आएगा APN प्रोटोकॉल, इसको आपने जो है V4 V6 सबसे लास्ट सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे APN प्रोटोकॉल ये हो गया, उसके बाद रोमिंग प्रोटोकॉल को भी आपको V4 V6 सबसे लास्ट सेलेक्ट कर दो। अब आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे, बैरियर मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है आपको ना सारे ही सिलेक्ट करो, ये इस तरीके से जितने भी हैं सारे सिलेक्ट कर दो। आपको कहोगे भाई ये क्या बता रहा है, तो ये सारे सिलेक्ट करो, इससे क्या होगा जो भी कंपैटिबिलिटी होगी आपकी मैक्स टू मैक्स फ़ोन की जितनी भी जाने वाली होगी फिर वो सब चली जाएगी, ठीक है, यानी कि उतनी हद तक ये इंक्रीज़ कर देगा। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देने के बाद इसको बैक करो। अब आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा सेव का, जैसे कि मेरे को टिक दिखा रहा है आपको सेव का, तो सेव करना है। जब सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो जियो ग्लोबल 5G आ चुका है एक APN। अब आपका पहले वाला सेट होगा, आपको इस वाले को सेलेक्ट कर देना जो अभी आपने ऐड किया है। अब आपको क्या करना है, इसको बैक करो, बैक करने के बाद आपने फ़ोन को एक बार इस तरीके से रीस्टार्ट करो। अभी मैं आपको बताता हूँ, तो जब रीस्टार्ट करोगे उसके बाद क्या करना है, जब रीस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है इस तरीके से, अगर आपके फ़ोन में सेटिंग आती है तो सेटिंग्स के ऊपर जाओ, मोबाइल इंटरनेट पे जाओ, मोबाइल यहाँ पे जाना है, उसके बाद आपको जाना है इस तरीके से, आपको एक मिलेगा प्रीफर नेटवर्क टाइप, ये अगर आपके फ़ोन में जैसे 3G 2G 4G है तो आपको मैक्स टू मैक्स रखना है, कि आपको अगर यहाँ पे जैसे मेरे को 5G शो कर रहा है तो मैंने 5G सेलेक्ट कर दिया, अगर आपको 2G शो कर रहा है फिर कह लें सॉरी, अगर आपको यहाँ पे 4G शो कर रहा है तो आपको 4G यानी कि मैक्स रखना है,
कम पे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पे रखना है, जितना ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखा रहा है उसको रखना है, ठीक है। अब बैक कर दो, बैक करने के बाद आप खुद देखोगे आपकी इंटरनेट स्पीड में, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी हद तक मेरे फ़ोन में इंटरनेट स्पीड बढ़ गई होगी, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए प्ले स्टोर पे आ चुका हूँ। प्ले स्टोर पे हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट बाय ओकला इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसा कि आपने इसमें देखा था ये वाला एप्लीकेशन है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये वाली। अगर आपको इंटरनेट स्पीड देखनी ना तो ये वाला एप्लीकेशन आता है, इसको आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अभी मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। इस तरीके से नेक्स्ट कर दो और कंटिन्यू करो, यहाँ पे इसको अलाउ करना होता है थोड़ा सा, उसके बाद अलाउ कर दो, अगेन अलाउ और इस तरीके से कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कर देना है और कंटिन्यू कर दो। अब यहाँ पे आपको गो का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, आप सभी को यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ मैं दिखा देता हूँ स्पीड, आप खुद देख लो यहाँ पे कितनी हद तक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, पहले से आपको 10 गुना बेटर स्पीड देखने को मिल जाएगी, ठीक है गाइस। तो अभी आप देखो यहाँ पे मीटर आ चुका है और इस तरीके से आप स्पीड चेक करो, ये देखो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे कहने कि APN में काफ़ी हद तक आपकी जो है सेटिंग बढ़िया हो जाती है, आपका इंटरनेट स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो है 4G फोन के अंदर जो यहाँ पे 5G चला सकते हैं, और मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया जो सेटिंग है यही अप्लाई करें। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको APN सेटिंग ही शेयर कर दी, बाकी आप ट्राई कर लो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।